व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और कंपोजिटिंग के बारे में बताएंगे। जो सुबह हमने वीडियो बनाया था इसमें 2D एनिमेशन, बैकग्राउंड पेंटिंग और स्टोरी बोर्ड के बारे में बताया था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अब इसमें हम आपको 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और कंपोजिटिंग के बारे में बताएंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के और वीडियो देखने के लिए। और अगर एनिमेशन देखना है तो एनिमेशन की प्लेलिस्ट रन करिएगा तो आपको सी, पाइथन और पावरपॉइंट में एनिमेशन दिखेगा। सो लेट स्टार्ट। 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग के लिए आपको ZBrush, माया, 3D स्टूडियो मैक्स और ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। 3D एनिमेशन के लिए आपको माया, 3D स्टूडियो मैक्स और सिनेमा 4D की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपोजिटिंग के लिए आपको AE और PR की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे और वन बाय वन बताएंगे। सो लेट स्टार्ट 3D मॉडलिंग। For 3D modeling, you must require ZBrush is used for creating high-resolution model able to reach 40+ million polygons for use in movie, games and animation. इसमें हाई रेजोल्यूशन मॉडल बनाने के लिए आपको ZBrush की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मूवी, गेम और एनिमेशन में यूज़ होता है। ZBrush uses dynamic level of resolution to allow sculpture to make a global or local changes to their model. इसमें डायनेमिक लेवल ऑफ रेजोल्यूशन मीन्स है कि आपका रेजोल्यूशन मीन्स कि कितने पिक्सल आपके पर बिट दिख रहे हैं, पर स्पेस दिख रहे हैं। तो इस स्कल्पचर को प्रॉपर दिखाने के लिए इसके मॉडल को ज़रूरत पड़ेगी। ZBrush is most known for being able to sculpt medium to high frequency detail that were traditionally painted in bump maps. अब जिसमें गड्ढा होता है या उठा हुआ होता है, उस जगह को प्रॉपर दिखाने के लिए आपको स्कल्पचर मॉडल और क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी, लो से हाई फ्रिक्वेंसी, मीडियम से हाई फ्रिक्वेंसी में दिखाना पड़ता है, जिसमें ZBrush आपकी हेल्प करता है। आप ये देखिए इसमें जो दिखा रहे हैं फेस में, कहाँ गड्ढा है, कहाँ उठा है, कहाँ कैसे है, वो सब वो दिखा रहा है। नेक्स्ट है माया। फंक्शनली अलाउ यू टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन। माया प्रोवाइड्स पावरफुल इंटीग्रेटेड टूल फॉर एनिमेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन, रेंडरिंग, मोशन ट्रैकिंग एंड कंपोजिशन इन अ सॉलिड, फंडामेंटल एंड स्केलेबल कंप्यूटर ग्राफिक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब आप इसमें एनिमेशन तो आप समझ रहे होंगे, मॉडलिंग मीन्स जो मूविंग आपका चलता हुआ होगा, और सिमुलेशन मीन्स जो आप एनिमेशन बना रहे हैं उसको सिमुलेट करिए, रेंडर करिए। आपने कई मूवी देखी होगी जिसमें ज़मीन से उठता हुआ आदमी बन जाता है, वो सब आपका रेंडरिंग और सिमुलेशन का ही फॉर्म है। मोशन ट्रैकिंग, आप कहाँ कहाँ वो चला, ये सब आप ट्रैक करते हैं, तो ये सब इसमें माया में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट है 3D Studio Max is a professional 3D design software package and it is frequently used in a graphic design, development, design concept and pre-visualization, product visualization, interior designing, स्पेशल इफेक्ट इन फिल्म एंड TV इंडस्ट्रीज। आप लोग गणेशा देखते हैं, वो सब 3D स्टूडियो मैक्स का बना हुआ है। बहुत सी ऐसी मूवी 3D स्टूडियो मैक्स में बन चुकी है, और गेम्स जो आप बराबर देखते हैं एनिमेटेड मूवी में। सो इट इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। इट क्रिएट्स द करेक्टर एनिमेशन एंड मेडिकल विजुअलाइजेशन। मेडिकल्स की जितनी फिल्म बनती है वो भी 3D स्टूडियो मैक्स में बनाई जाती है। इज 3D Max यूजफुल? 3ds Max is used in video game industry for creating 3D character model, game assets and animation. With efficient workflow and powerful modeling tools, 3D Studio Max can save game artists a significant amount of time. Many industries use 3D Studio Max for generating graphics that are mechanical or even organic in nature. अब आप जैसे 3D Studio Max यूज करेंगे तो बहुत से फ्रेम एक एनिमेशन बनाने के लिए यूज होता है, एक फ्रेम बनाने के लिए यूज होता है, तो उस फ्रेम को हम डुप्लीकेट करके बहुत सी ऐसी फैसिलिटी 3D Studio Max में है जो हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उसको यूज़ करके हम एक फिगर को डिफरेंट रोटेशन पे बना करके एनिमेशन को बना सकते हैं और ग्राफिक को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत हेल्पफुल है और नेचुरल और अननेचुरल दोनों तरह के मैकेनिकल और ऑर्गेनिक नेचर के ग्राफिक्स को ये जनरेट करता है। की डिटेल ऑफ ब्लेंडर। अब ब्लेंडर ऐसा सॉफ्टवेयर है which creates, animates and render 3D images on your PC. आपने बहुत से इस टाइप के बड़े बड़े ड्रैगन्स का मूवी देखी होगी, वो सब इसी में इसके हेल्प से अच्छे से बनती है। लास्ट अपडेट ऑन 4/9/20 देयर हैज़ बीन वन अपडेट विदिन द पास्ट 6 months. द करंट वर्जन हैज़ 0 फ्लैग्स ऑन द वायरस टोटल, ऑल्सो अवेलेबल ऑन मैक एंड लाइन। ये मैक और लाइनक्स दोनों पे अवेलेबल है और इसको यूज़ करके मूवी बनाई जाती है। अब 3D मॉडलिंग के अलावा 3D एनिमेशन के लिए हम 3D स्टूडियो मैक्स और माया बता चुके हैं। दूसरा है आपका सिनेमा 4D, इज़ अ प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। इट फास्ट, पावरफुल, फ्लैक्सीबल एंड स्टेबल टूल सेट मेक 3D वर्कफ्लो मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट फॉर डिजाइन, motion graphics, VFX, AR, MR, VR, games, development and all types of visualization professional. इसमें जो टेक्निकल वर्ड यूज़ हो रहे हैं उसको आप जब इसको करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3D तो आप समझ रहे होंगे कि XYZ एक्सेस पे जो चीज़ बनती है जो बिल्कुल नेचुरल दिखती है वो 3D होती है। अब इसमें बहुत से ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं VFX, AR, MR, VR, हम फुल फॉर्म बता दें इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करिएगा, तब तक वो आपको नहीं आएगा। सो अगर आपको करना है तो कमेंट में लिखिए और हमको बोलिए। कंपोजिटिंग, अब ये क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर is a solution stack that helps organization to use the method listed above to build a brand awareness and is an efficient tool to communicate with the target audience. Public relations software is a collaborative tool that allow PR professionals to engage efficiently with the contact. How public relation project management software can improve your agency. ये आपकी एजेंसी के इम्प्रूवमेंट के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी चीज़ों को एडवर्टाइज करता है और कम्युनिकेट करता है और टारगेट ऑडियंस तक आपको पहुंचाता है। तो पब्लिक रिलेशन आपका डेवलप करता है जो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडोब आफ्टर इफेक्ट, इज़ अ डिजिटल विजुअल इफेक्ट, मोशन ग्राफिक and compositing application developed by Adobe Systems and used in post-production process of filmmaking, video games and television. जब बन जाता है वीडियो तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस में ये इफेक्ट्स डालने के लिए बहुत यूजफुल होता है और वीडियो गेम और टेलीविज़न प्रोडक्शन में ये काम आता है। Among other things, After Effects can be used for keying, tracking, compositing and animation. आफ्टर इफेक्ट क्या होता है आपका? कीइंग, ट्रैकिंग, कंपोजिटिंग एंड एनिमेशन। तो इसको जब प्रैक्टिकली आप करिएगा, देखिए ये उसमें इफेक्ट दिखा रहा है, ये सारे इफेक्ट्स इसमें डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो एडोब में आफ्टर इफेक्ट नाम से जाना जाता है। इफ़ यू थिंक आई हैव गिवन एनी गुड इंफॉर्मेशन, प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग टू एनिमेशन. My channel name is Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media links given in a description. Join Telegram channel, tap Ratan, and join my community to get more animation playlist for the video in C, Python and PowerPoint. And more if you say, then I will introduce there. So thank you viewer, if you like it, please share, run, share and subscribe. And share more to more.